told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. सिमली से छिंदवाड़ा से सिमली की ओर हम खड़े हैं छिंदवाड़ा बस स्टैंड में। यहाँ पे ये है इस प्रकार का बस स्टैंड जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है। बहुत ही छोटा सा बस स्टैंड है, ज़्यादा बड़ा स्टैंड है नहीं। यहाँ से आपको जो है जबलपुर, सिमली, नागपुर, मुल्ताई, बैतूल, भोपाल, इंदौर और आसपास के जो गांव पड़ते हैं वहाँ की बसें आराम से। तो ये है पूरा छिंदवाड़ा बस स्टैंड जहाँ पर हम बैठे हैं। हमारी इतनी ये इसमें हमारा सफ़र होने वाला है छिंदवाड़ा से सिमली की ओर। हम ट्राई करेंगे कि हमें जो है विंडो सीट मिले ताकि हम आपको हर चीज़ दिखा सकें। और ये है बस स्टैंड छिंदवाड़ा का छोटा सा। यहाँ पे काफ़ी बसें मिल जाती हैं आपको, रीच काफ़ी अच्छे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है और यह जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ पे जो अभी मेडिकल कॉलेज बन चुका है, यूनिवर्सिटी बन चुकी है और काफ़ी कुछ यहाँ पे सुविधाएँ हैं। यह हमारी बस जो कि हमें पहुँचाएगी सिमली 1.5 घंटे में। गवर्नमेंट बस है जो कि बहुत ही प्यारी ऑरेंज और वाइट कलर में है। और ये सामने देख सकते हैं इस प्रकार के नज़ारे हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखने मिल जाएगी कौन सा यहाँ से शहर कितनी दूर है, कितनी दूर यहाँ पे जो है यहाँ के लोकल एरिया है वो कितनी दूर है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सब ने यहाँ पे किलोमीटर और सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर और बैठते हैं क्योंकि बस जो है छूटने वाली कुछ ही देर में हमारी। अब हमारी बस छिंदवाड़ा बस स्टैंड से बाहर निकल चुकी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये हाथ हिलाते रहते हैं, यह जो होते हैं वह एजेंट होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक बस लगी होती है तो इन्हें सवारी के लिए जो है यहाँ पर खड़ा किया जाता है। जैसे ही बस का टाइम होता है तो ये लोग जो हैं बस को वहाँ से निकलवाने लगते हैं और बस वहाँ से निकल जाती है। वैसे हर बस अपने टाइम से चलती है, लेकिन कुछ सवारी के लिए कभी कभी होता है कि बस वगैरह साइड में खड़ी रहती हैं, तो ये एजेंट वगैरह काम होता है कि बस को वहाँ से निकालें और दूसरी बस को वहाँ पर लगवाएँ जिसके ये एजेंट होते हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे जैसे ही आप छिंदवाड़ा बस स्टैंड आते हैं तो आपको जो है खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसपास में देखेंगे आपको सब कुछ खाने पीने को मिल जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारी बस जो है पूरी खाली पड़ी है और ड्राइवर भैया जो है वो हमारे साथ जा रहे हैं और इनसे हमारी बात होती रहेगी बस रास्ते में, क्योंकि हम जो है इनसे बदोस्ती कर चुके हैं। और ये देखेंगे आप सामने यहाँ पे आपको थाना देखने को मिल जाता है, पुलिस लाइन छिंदवाड़ा। और ये रोड है जो जा रही है, यह है सिमली रोड। आपने सामने देखा, आपको सामने जो है यहाँ पे एक रोड देखने मिल जाती है और वहाँ पे इसी रोड में जो आपको कॉलेज देखने को मिलता है मेडिकल। तो अभी हम निकल चुके हैं छिंदवाड़ा बस स्टैंड से और हम जा रहे हैं अभी छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि सिमली रोड में ही जो है छिंदवाड़ा का स्टेशन पड़ता है। आप देख सकते हैं अभी हमारी बस जो है वो ओवरब्रिज छक रही है। इस ब्रिज को लेके भी जो है पूरा बहुत ज़्यादा यहाँ विवाद रहा, क्योंकि यह ब्रिज बनते समय जो है बहुत चर्चा में रहा कि इस ब्रिज के बनने से जो है काफ़ी और शहरों में भी लेके इसमें देखे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे ये ब्रिज जो है छिंदवाड़ा शहर की जान है और बहुत ही प्यारा ब्रिज बनाया गया है। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर गार्डन वगैरह देखने को मिल जाता है, उसके नीचे आपको दुकानें देखने को मिल जाती हैं। यह ब्रिज जो है काफ़ी अच्छा है। यह ब्रिज बनना ज़रूरी था क्योंकि स्टेशन के जस्ट बाजू में ही जो है यह ब्रिज बना हुआ है और जब भी ट्रेन आती थी यहाँ पर लंबा जाम लग जाता था, तो उसको देखते हुए यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा में एक और ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से छिंदवाड़ा में अभी दो ब्रिज बन चुके हैं। आप सामने देखेंगे, आपको सामने देखने को मिल रहा होगा छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत ही मॉडर्न स्टेशन में से एक स्टेशन है। और ये इसका बिल्डिंग जो बहुत प्यारी लगती है, जो कि ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन में बनाई गई है। आप सामने देखेंगे लिखा हुआ है छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो ये है पूरा सामने देख सकते हैं आप छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी बस निकल रही है। यहाँ से भी अक्सर जो है सवारी बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि कोई भी ट्रेनें आती हैं तो सीधे आपको बस स्टैंड सामने मिल जाता है। अब हम निकल चुके हैं छिंदवाड़ा से। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. अब हमारी बस जो है भाई चोरी बस स्टैंड पहुंच चुकी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चोरी बस स्टैंड में रात हो चुकी है। कुछ इस प्रकार का पूरा नज़ारा दिखाई देता है चोरी बस स्टैंड के आसपास का। यहाँ बसें जो हैं, कुछ बसें जो लोकल की होती हैं बाई बस स्टैंड के अंदर खड़ी होती हैं और कुछ बसें जो सीधे जाती हैं बाईपास से चली जाती हैं, कुछ बसें जो है अंदर आती हैं, तो कुछ बसें जो हैं बस स्टैंड के साइड में ही खड़ी हो जाती हैं। लोकल बसें अंदर खड़ी होती हैं और बाकी जो बसें फास्ट होती हैं वह सामने खड़ी होती हैं, सवारी उठाती हैं और चली जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चोरी का नज़ारा है। और अब चोरी से हमारी बस निकल चुकी है और चोरी शहर जो है भाई छिंदवाड़ा और सिमली के बीच में पड़ता है, तो यह जो है सेंटर हो जाता है।
यह छिंदवाड़ा से 35 किलोमीटर तथा सिवनी से 35 किलोमीटर पड़ता है। बट छिंदवाड़ा ज़िले में जो है यह चोरी आता है, तो कुछ लोगों के द्वारा चोरी को भी जो है ज़िला बनाने की यहाँ पे मांग की जा रही है। क्या ये मांग बिल्कुल सही है? अगर आप चोरी से हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चोरी में कुछ फेमस चीज़ें हैं तो आप उसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम जो है आपको आने वाले वीडियो में उसकी जानकारी बता सकें और उसके बारे में जाके ब्लॉग बना सकें। तो आप देखेंगे चोरी शहर भी काफ़ी अच्छा शहर है, जैसे जैसे यहाँ से हम निकल रहे हैं वैसे वैसे आपको पूरा चोरी शहर देखने को मिल रहा होगा। और ये भी एक बहुत ही अच्छा शहर है, अभी हम देख सकते हैं, आपको दिखा रहा है वाइड एंगल से, यहाँ पे जो है बहुत प्यारा शहर लग रहा है चोरी। और अगर आप इसे जिला बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप चोरी के रहने वाले हैं और आपको चोरी से प्यार है और आप चाहते हैं चोरी ज़िला बने, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं और बात करते हैं आगे के सफ़र की, कि हमारे सफ़र में और क्या क्या चीज़ें पड़ने वाली हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें अब जो है बैनगंगा नदी देखने को मिलेगी, और हमें जो है रास्ते में छोटे छोटे गाँव मिलेंगे जिसको हम स्किप करेंगे और सीधे आपसे मिलेंगे हम सिवनी शहर में। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं टोल प्लाज़ा, जो कि पड़ता है हमारे यहाँ सिवनी शहर के पास में। आप सिवनी शहर यहाँ से बसता है 18 किलोमीटर, तो ये टोल प्लाज़ा पड़ता है और उसके बाद जो सीधा पड़ेगा बैनगंगा नदी। तो हम आपको दिखाएंगे बैनगंगा नदी। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे टोल प्लाज़ा को, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे फास्टैग लगा होता है, तो आजकल ऑटोमेटिक जो है वो कैच कर लेता है और पैसे कट जाते हैं। नहीं तो पहले आपको क्या होता था कि ड्राइवर को जो है पैसे देने पड़ते थे, वो काट के स्लिप दिया करता था, तो वह पुरानी प्रथा हो गई है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा, अब फास्टैग से सिंपल काम हो जाता है। आप आइए, एक सेकेंड खड़े हो फिर चले जाइए। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं बैनगंगा नदी। अब यहाँ से सिवनी बहुत ही पास पड़ पड़ा है, और आप देखेंगे रात को कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको। ये हम जा रहे हैं बैनगंगा नदी के पुल से, और साइड में आपको मंदिर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और बाजू में ढाबा वगैरह बने हैं वो दिख रहे होंगे आपको सामने से, क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ आती हैं तो सामने से एकदम कुछ दिख नहीं पाता है, सामने सब ब्लर हो जाता है। और ये बस की लाइट भी जो है बहुत कम है, क्या पता हमारे साथ क्या दिक्कत है, हमें जब भी लाइट मिलती है ऐसी ही मिलती है। आप देखेंगे हम लोग पहुंच चुके हैं सिवनी मंदिर। ये है सिवनी ज़िला जो कि आप देख रहे हैं। अब छिंदवाड़ा से सिवनी आने में हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर आप बाइक से जाते हैं तो आप 1.5 घंटे अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन आप बस से जाते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। ये है सिवनी के रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पर भी जो है मांग चल रही थी कि ओवरब्रिज बनाया जाए, जैसा कि छिंदवाड़ा शहर में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी जो है स्टेशन बहुत पास पड़ता है, तो जब यहाँ पे ट्रेन वगैरह आती जाती हैं तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। तो यहाँ पे जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है शहरवासियों को, क्योंकि ट्रेनें जो हैं वो काफ़ी देर तक जाने के गेट बंद रहते हैं, तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है और जगह बहुत छोटी सी है तो निकलने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पर जो लोग बाग जो है इसे ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, ओवरब्रिज बनता है या नहीं बनता है, जो भी होगा वो तो बाद में पता चलेगा हमें। फिलहाल हमारी बस पहुंच चुकी है छिंदवाड़ा चौक में। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस चौक को बहुत बड़ा किया गया है। यहाँ पे जो पहले मंदिर था गणेश मंदिर, उससे पीछे कर दिया गया है। अब हम जो छिंदवाड़ा चौक से आगे निकल चुके हैं और आ चुके हैं नगर पालिका शंकर मड़िया के पास। यहाँ से देख सकते हैं महावीर मड़िया, फिर शंकर मड़िया, ऐसा नगर पालिका और बस स्टैंड को पड़ते हुए मिलता है। तो बस जो है छिंदवाड़ा चौक में खड़ी होती है, उसके बाद सीधे बस स्टैंड में खड़ी होती है। पहले यहाँ बीच में खड़े होने के लिए जो है हो जाया करती थी कि अगर उतना चाहता उतर सकता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अगर आपको उतरना है तो आप यहाँ उतरेंगे, या फिर सीधे आपको जो बस स्टैंड उतरना पड़ेगा। अगर आपकी बस ड्राइवर से पहचान है तो बात अलग हो सकती है, बाकी ऐसा जो नियम चेंज कर दिया गया है और काफ़ी कुछ नियम यहाँ पे बदले गए हैं। तो आप देख रहे हैं ये है सिवनी ज़िला जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अगर हम बात करें बसेस की, तो आपको यहाँ से जबलपुर, नागपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, नैनपुर और आपको यहाँ नरसिंहपुर, ऐसी जगह जाने के लिए बसें मिल जाती हैं, जो कि ये बड़े बड़े शहर हैं। और हम बात करें सिवनी ज़िला की, तो सिवनी ज़िला जो है फेमस है मोगली लैंड के लिए, और यहाँ पे अभी जो है न्यू स्टेशन बिल्डिंग काम चल रहा है, जो कि रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनने वाली है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा ब्लॉग छिंदवाड़ा से लेकर सिवनी तक का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ में जो है बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अब बस स्टैंड की तरफ। तो इस ब्लॉग को हम दोस्तों यहीं पर ख़त्म करेंगे, और आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सामने आप देखेंगे हमारा बस स्टैंड आ चुका है, तो अब बस जो है बस स्टैंड के अंदर जाएगी और खाली हो जाएगी, उसके बाद जो है ये वापस छिंदवाड़ा की ओर जाएगी। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद।